नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल स्केल मल्टीपार्ट प्रोपगेशन के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक स्मॉल स्केल मल्टीपार्ट प्रोपगेशन। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं मल्टीपार्ट प्रोपगेशन क्या होता है। मल्टीपाथ प्रोपेगेशन इज अ फिनोमेनन इन वायरलेस कम्युनिकेशन वेयर अ ट्रांसमिटेड रेडियो सिग्नल रीचेस द रिसीवर बाय मल्टीपल पाथ्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन स्कैटर्ड कॉज्ड बाय ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर इन द प्रोपेगेशन एनवायरमेंट। तो मल्टीपाथ प्रोपेगेशन एक घटना है एक वायरलेस कम्युनिकेशन में, जहां पर हमारा जो ट्रांसमिटेड रेडियो सिग्नल होता है, जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो क्या होता है, हमारा अलग अलग रास्तों से पहुंचता है, मल्टीपल पाथ से पहुंचता है। किस वजह से? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से, डिफ्रेक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट वस्तुओं के द्वारा किए जाते हैं या फिर स्ट्रक्चर संरचनाओं के द्वारा किए जाते हैं प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट में, एक प्रसारण के वातावरण में। ठीक है, तो एक प्रसारण के वातावरण में किसी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रक्चर के द्वारा रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन स्कैटरिंग होने की वजह से जो हमारा सिग्नल रिसीवर पर पहुंचता है वो मल्टीपल पाथ बहुत सारे रास्तों से पहुंचता है, उसी को बोलते हैं, उसी घटना उसी फिनोमेनन को बोलते हैं मल्टीपाथ प्रोपेगेशन। ठीक है, मतलब बहुत सारे रास्तों से प्रसारण होना, प्रोपेगेशन होना, प्रसारित होना सिग्नल का। ठीक है, When a signal encounters obstacles such as buildings, trees, terrain, features, it reflects off surfaces, diffracts around edges, scatters in different directions. तो जब हमारा एक सिग्नल सामना करता है obstacles का, बाधाओं का, जैसे कि बिल्डिंग इमारतें हो गई, पेड़ हो गए, टेरेन फीचर्स हो गए, किसी भूभाग भूमि क्षेत्र के हमारा फीचर्स हो गए हमारे, ठीक है, इलाका हो गया, तो वहां से वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है सर्फेसिस से, सतहों से, डायफ्रेक्ट होता है किनारों से, स्कैटर होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, एज अ रिजल्ट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सिग्नल अराइव एट द रिसीवर विद डिफरेंट पाथ लेंथ एंड फेजेस, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा क्या होता है, मल्टीपल बहुत सारी हमारी कॉपीज सिग्नल की पहुंचती है रिसीवर के पास अलग अलग रास्तों से विद डिफरेंट पाथ लेंथ, जिसकी हमारी जो पाथ लेंथ होती है अलग अलग होती है और जिनके फेजेस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिनके जो एंगल होते हैं, तो अलग अलग फेज लेंथ, पाथ लेंथ और अलग अलग फेजेस से हमारे मल्टीपल कॉपीज हमारी रिसीवर के पास पहुंचती है। ठीक है, This can lead to constructive and destructive interference between the signal components. तो इससे हमारी जो क्या होगी, interference, रुकावट, बाधा पैदा होगी हमारी, constructive भी हो सकती है और destructive भी हो सकती है signal components के बीच में, जिससे होगा क्या, causing rapid fluctuation, जिससे बहुत तेजी से हमारे fluctuations होंगी हमारी, ठीक है, signal की strength में, तो signal की जो strength है उसमें बहुत तेजी से हमारा बदलाव होगा, जिसको हम बोलेंगे known as small scale fading, जिसको हम बोलते हैं small scale fading। ठीक है, मल्टीपाथ प्रोपेगेशन कैन इंपैक्ट द रिलायबिलिटी क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मल्टीपाथ प्रोपेगेशन हमारा इंपैक्ट करता, प्रभाव डालता है रिलायबिलिटी विश्वसनीयता पर, क्वालिटी गुणवत्ता पर, परफॉर्मेंस प्रदर्शन पर एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के। ठीक है, इट इज क्रूशियल कंसिडरेशन इन डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के डिजाइन करने के समय या उसको ऑप्टिमाइजेशन करने के समय, उसमें सुधार करने के समय हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसिडरेशन है, विचार करने वाली बात है मल्टीपाथ प्रोपेगेशन, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में कैसे हमारा एक मोबाइल फोन है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सेल साइट है, हमारा टावर है जहां से हमारा सिग्नल आ रहा है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर पांच रास्तों से आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं, पहले से डायरेक्ट सिग्नल या मोबाइल फोन के पास हमारे ये टावर से डायरेक्ट सिग्नल आ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है ग्राउंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल, जो जमीन से रिफ्लेक्ट होते हुए आ रहा है हमारा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ग्राउंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल, ये रहा सेकंड नंबर का। ठीक है, फिर आ रहा है रिफ्लेक्टेड सिग्नल, रिफ्लेक्टेड सिग्नल हमारा थर्ड नंबर पे, ये रहा बिल्डिंग से जो इमारत से हमारा रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है थर्ड सिग्नल। फिर आ रहा हमारा स्कैटर्ड सिग्नल, तो चौथा हमारा लैंप पोस्ट से हमारा स्कैटर होते हुए आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा स्कैटर हो रखा है कैसे, ठीक है, फैल रखा हमारा ये। फिर देखते हैं फिफ्थ हमारा डिफ्रेक्टेड सिग्नल, डिफ्रेक्टेड हमारा फिफ्थ नंबर पे, ये रहा आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारे अराउंड द एज जो हमारा किनारा होता है उससे हमारा डिफ्रेक्ट होकर आ रहा है मोबाइल फोन के पास। तो इस तरीके से मल्टीपल पाथ से हमारा सिग्नल आ रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मल्टीपाथ प्रोपेगेशन। बात अब देखते हैं फेडिंग क्या होती है। फेडिंग इज अ ब्रॉडर टर्म दैट एनकंपासेस द ओवरऑल वेरिएशन इन सिग्नल स्ट्रेंथ और एम्पलीट्यूड एट द रेडियो सिग्नल प्रोपेगेट्स थ्रू अ वायरलेस चैनल। तो फेडिंग एक ब्रॉडर व्यापक टर्म है हमारी, जो क्या करती है, एनकंपास करती है ओवरऑल, कुल मिलाकर जो वेरिएशन सिग्नल स्ट्रेंथ में उसको लेकर चलती है हमारी, जो एम्पलीट्यूड है हमारे एक रेडियो सिग्नल का, जो प्रोपेगेट हो रहा है हमारा रेडियो सिग्नल, जो प्रसारित हो रहा है एक वायरलेस चैनल के थ्रू, तो जो हमारा एक रेडियो सिग्नल हमारा
वायरलेस चैनल में हमारा प्रोपेगेट हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसकी कुल मिलाकर जो वेरिएशन है, उसी को हम बोलते हैं फेडिंग। ठीक है, फेडिंग कैन ओकर ड्यू टू द वेरियस फैक्टर, अलग अलग कारणों से हो सकती है हमारी फेडिंग, इंक्लूडिंग लार्ज स्केल इफेक्ट, लार्ज स्केल इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि हमारे चेंजेस इन डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ट्रांसमीटर रिसीवर में हमारे के जो डिस्टेंस है, दूरी, उसमें चेंज हो जाना, बदलाव आ जाना, टेरेन जो हमारे भूभाग भूमि क्षेत्र है उसमें बदलाव आ जाना, ठीक है, ऑब्स्टेकल जो बाधाएं है उसमें बदलाव आ जाना, एज वेल एज स्मॉल स्मॉल स्केल इफेक्ट सच एज मल्टीपाथ प्रोपेगेशन, और के साथ साथ हमारे जो स्मॉल स्केल इफेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, जैसे मल्टीपाथ प्रोपेगेशन होता है, उन सब की वजह से हमारी क्या होती है, फेडिंग होती है सिग्नल की। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब देखते हैं स्मॉल स्केल फेडिंग क्या होती है। ठीक है, हमारी स्मॉल स्केल फेडिंग ऑन द अदर हैंड स्पेशली रेफर्स टू द रैपिड फ्लक्चुएशन इन द सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस और टाइम इंटरवल्स ड्यू टू द मल्टीपल प्रोपेगेशन इफेक्ट्स। ठीक है, तो दूसरी तरफ बात करें स्मॉल स्केल फेडिंग की, तो हमारी स्पेशली विशेष तौर पर इसका तात्पर्य हमारा रैपिड फ्लक्चुएशन से, बहुत तेजी से जो अस्थिरता आती है हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ में, शॉर्ट डिस्टेंसेज पर जो हमारी कम दूरी है या फिर टाइम के मध्यांतर जो टाइम इंटरवल्स है उन पर, ठीक है, ड्यू टू मल्टीपाथ प्रोपेगेशन इफेक्ट्स, मल्टीपाथ प्रोपेगेशन इफेक्ट की वजह से, जो मल्टीपाथ प्रोपेगेशन के प्रभाव है उनकी वजह से, जो कम दूरी पर टाइम इंटरवल पे हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ में जो हमारी तेजी से अस्थिरता आती है उसी को बोलते हैं स्मॉल स्केल फेडिंग। ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ फेडिंग, फेडिंग का सबसेट है, हिस्सा है, ठीक है, भाग है। अकर्स बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होती है, जो बाधा रुकावट होती है, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, ये स्मॉल स्केल फेडिंग होती है बिटवीन मल्टीपल कॉपीज। जो मल्टीपल कॉपीज है हमारी ट्रांसमिटेड सिग्नल की, जो हमारी अराइव एट द रिसीवर बाय डिफरेंट पास, जो हमारी मल्टीपल कॉपीज, बहुत सारी जो हमारी प्रतियां हैं ट्रांसमिटेड सिग्नल की जो रिसीवर पर पहुंच रही है अलग अलग रास्तों से, उनके बीच में जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है हमारा, उसी का क्या बोलते हैं हम, स्मॉल स्केल फेडिंग। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपाथ प्रोपेगेशन ऑन स्मॉल स्केल फेडिंग, क्या प्रभाव होते हैं हमारे मल्टीपाथ प्रोपेगेशन के स्मॉल स्केल फेडिंग पर। मल्टीपाथ प्रोपेगेशन क्रिएट स्मॉल स्केल फेडिंग इफेक्ट, तो मल्टीपाथ प्रोपेगेशन ही हमारा क्रिएट करता है, बनाता है स्मॉल स्केल फेडिंग के इफेक्ट प्रभावों को। द थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्ट आर रैपिड चेंजेस इन द सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर अ स्मॉल ट्रेवल और टाइम इंटरवल। तो छोटे से अगर आप जगह से आप इधर से उधर जा रहे हो, मतलब कुछ सेंटीमीटर भी आप इधर से उधर जा रहे हो, एक तरह से इसको आप एग्जांपल लेते हो समझ सकते हो, मतलब स्मॉल ट्रेवल, आप डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हो, छोटी दूरी को आप ट्रेवल कर रहे हो, आप मोबाइल फोन पर बात कर रहे हो, आप इधर से उधर घूम रहे हो, मतलब घूमते हुए बात कर रहे हो, तो स्मॉल डिस्टेंस पर, कम दूरी पर या फिर टाइम इंटरवल पर, टाइम के मध्यांतर पर, मतलब अभी बात कर रहे हो अभी थोड़े टाइम के बाद, उस पे क्या होगा हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ में चेंज होना, तेजी से चेंज होना, ठीक है, वो क्या है हमारा इफेक्ट है मल्टीपाथ प्रोपेगेशन का स्मॉल स्केल फेडिंग पर। ठीक है, रैंडम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ड्यू टू द वेरिंग डॉपलर शिफ्ट ऑन डिफरेंट पाथ मल्टीपाथ सिग्नल्स। तो रैंडम फ्रीक्वेंसी का हमारा मॉड्यूलेशन होना, जो हमारा ड्यू टू वेरिंग डॉपलर शिफ्ट, जो हमारा बदलता हुआ डॉपलर शिफ्ट है, उसकी वजह से जो हमारे अलग अलग पाथ पर मल्टीपाथ सिग्नल्स पर, ठीक है, बदल रहा हमारा डॉपलर शिफ्ट, ठीक है, वो हमारा क्या इफेक्ट है मल्टीपाथ प्रोपेगेशन का। क्लियर है बात। टाइम डिस्पर्सन इक्वल्स कॉज्ड बाय मल्टीपाथ प्रोपेगेशन डिलेज। तो मल्टीपाथ प्रोपेगेशन जो डिलेज है, देरी है, उनकी वजह से जो हमारा टाइम डिस्पर्सन होता है, इक्वल्स होता है, ठीक है, वो भी हमारा एक इफेक्ट है मल्टीपाथ प्रोपेगेशन का। ठीक है, इवन व्हेन अ मोबाइल रिसीवर स्टेशनरी, तो जब हमारा मोबाइल स्टेशन स्टेशनरी स्थिर है मान लीजिए, तब भी द रिसीव्ड सिग्नल में फेड, तब भी हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल होगा वो फेड हो जाएगा, मंद हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, ड्यू टू द नॉन स्टेशनरी नेचर ऑफ द चैनल। क्योंकि जो हमारा चैनल है जहां से हमारा सिग्नल आ रहा है, उसका जो नेचर है वो क्या है, नॉन स्टेशनरी है, अस्थिर है, जैसे कि रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी मूविंग। तो जो हमारे रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स है, जहां से हमारे रिफ्लेक्ट होकर आ रहे सिग्नल, वो मूव हो सकते हैं, मान लीजिए किसी कार से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो वो मूविंग है हमारा, तो नॉन स्टेशनरी नेचर है जो हमारा चैनल का, उसकी वजह से हमारा सिग्नल क्या होगा, फेड होगा, स्मॉल स्केल फेडिंग होगी। अगर हमारा मोबाइल रिसीवर स्टेशनरी है, तब भी मान लीजिए आप मोबाइल पर बात करें, आप एक जगह पर खड़े होकर बात कर रहे हो, तब भी आपका क्या होगा, स्मॉल स्केल फेडिंग होगा। क्लियर है बात। अब देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्मॉल स्केल फेडिंग, जो हमारे फैक्टर्स, जो कारण है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं हमारे स्मॉल स्केल फेडिंग पर, मल्टीपाथ प्रोपेगेशन। द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट स्कैटर्स इन द स्पेस बिटवीन ट्रांसमिटर एंड रिसीवर क्रिएट्स अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग चैनल एनवायरनमेंट। तो जो हमारा प्रेजेंस है रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स का, स्कैटर्स का, एक स्पेस में ट्रांसमिटर रिसीवर के बीच में, वो हमारा कॉन्स्टेंटली निरंतर हमारा क्या करता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट को, चैनल को, जो हमारा चैनल का एनवायरनमेंट है, चैनल का वातावरण है, उसको चेंजिंग बनाए रखता है निरंतर। ठीक है, causes a signal at the receiver to fade or distort, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल जो रिसीवर पर प्राप्त होगा हमारा, वो फेड होगा, मंद होगा या डिस्टोर्ट होगा, खराब होगा। ठीक है,
सेकंड पॉइंट की बात करें हम, यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा इसको, सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ द मोबाइल रिसीवर, जो गति हमारे मोबाइल रिसीवर की, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रिजल्ट इन अ रैंडम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ड्यू टू द डिफरेंट डॉपलर शिफ्ट ऑन द ईच ऑफ द मल्टीपल पाथ सिग्नल्स, ठीक है। तो जो हमारा रिलेटिव मोशन रहेगा, हमारा गति रहेगी ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, रिजल्ट्स इन अ रैंडम, जिसका परिणाम स्वरूप हमारा क्या होगा, एक रैंडम एनी में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन होगा अलग अलग डॉपलर शिफ्ट की वजह से, हर एक जो हमारा मल्टीपाथ सिग्नल है उस पर, क्लियर है बात। डॉपलर शिफ्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोबाइल। तो डॉपलर शिफ्ट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा हमारी जो दिशा है, डायरेक्शन हमारी, जो मोबाइल मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, उसकी डायरेक्शन पर, उसकी दिशा पर निर्भर करता है कि पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा हमारा डॉपलर शिफ्ट। क्लियर है बात। अगर आपको डॉपलर शिफ्ट के बारे में नहीं पता है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखते हैं स्पीड ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा फेडिंग पर, स्मॉल स्केल फेडिंग पर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन मोबाइल, तो अगर हमारी स्पीड, जो गति है सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स की, जो आसपास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जहां से हमारा सिग्नल आ रहा है रिफ्लेक्ट होके, स्कैटर डायरेक्ट जैसे भी आ रहा है हमारा, अगर वो ग्रेटर है हमारी, उनकी जो स्पीड है गति है मोबाइल से, द फेडिंग इज डोमिनेटेड बाय दोज ऑब्जेक्ट, तो हमारी फेडिंग है वो, उसका प्रभुत्व हमारा किस पर रहेगा, उन ऑब्जेक्ट्स पर जो हमारे सराउंडिंग वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स आर स्लोअर देन द मोबाइल देन देयर इफेक्ट कैन बी इग्नोर्ड, तो अगर हमारे जो आसपास के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्लोअर है, उनकी स्पीड स्लोअर है हमारे मोबाइल से, धीमी है, तो उनके इफेक्ट को, उनके प्रभाव को क्या कर सकते हैं, अनदेखा किया जा सकता है, ठीक है, इग्नोर किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हमारा फैक्टर का, द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन बिटवीन द सिग्नल बैंडविड्थ एंड द कोहेरेंस बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, द सिग्नल इज आइदर डिस्टोर्टेड और फेडेड, तो इस पर बात पर निर्भर करेगा हमारा, ऑन द रिलेशन बिटवीन, जो हमारा रिलेशन है सिग्नल बैंडविड्थ और कोहेरेंस बैंडविड्थ पर हमारे चैनल के, द सिग्नल हमारा क्या रहेगा, डिस्टोर्टेड रहेगा, खराब रहेगा, फेडेड रहेगा, इस बात पर निर्भर करेगा रिलेशन पर, उनके संबंध पर, ठीक है, सिग्नल बैंडविड्थ के संबंध पर और कोहेरेंस बैंडविड्थ के चैनल पे, ठीक है। इफ द सिग्नल बैंडविड्थ इज ग्रेटर देन द कोहेरेंस बैंडविड्थ इट क्रिएट डिस्टॉर्शन, अगर सिग्नल बैंडविड्थ हमारी ज्यादा रहेगी, ग्रेटर रहेगी, बड़ी रहेगी हमारी कोहेरेंस बैंडविड्थ से, तो वो हमारी डिस्टॉर्शन करेगी, खराबी करेगी हमारी, ठीक है, सिग्नल को खराब करेगी, डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगी। If the signal bandwidth is smaller than the coherence bandwidth, it creates small scale fading. अगर हमारी जो सिग्नल बैंडविड्थ है वो स्मॉलर रहेगी, छोटी रहेगी हमारी, कम रहेगी हमारी coherence bandwidth से, तो हमारी वो क्या करेगी, स्मॉल स्केल फेडिंग क्रिएट करेगी, ठीक है। द कोहरेंस बैंडविड्थ ऑफ अ वायरलेस चैनल इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट आर अलाउड टू पास थ्रू द चैनल विदाउट डिस्टॉर्शन, जो हमारी कोहरेंस बैंडविड्थ है वो हमारी क्या होती है, एक वायरलेस चैनल की एक रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की, जो हमारी रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की, That allowed to pass through the channel without distortion. तो जो हमारी range of frequencies है, जिनको allowed किया जाता है, अनुमति दी जाती है कि वो हमारी पास कर सकती है चैनल से बिना किसी distortion के, बिना किसी खराबी के, तो उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, coherence bandwidth बोलते हैं, ठीक है। तो रेंज ऑफ वायर फ्रीक्वेंसीज कोहरेंस बैंडविड्थ ऑफ अ वायरलेस चैनल, ठीक है, इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दिस इज द बैंडविड्थ ओवर विच द चैनल ट्रांसफर फंक्शन रिमेन वर्चुअली कॉन्स्टेंट, तो यही बैंडविड्थ होती है जहां पर हमारा चैनल का ट्रांसफर फंक्शन होता है, वो क्या रहता है हमारा, वर्चुअली स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्लियर है बात। तो ये क्या थी हमारी कंप्लीट जानकारी थी स्मॉल स्केल मल्टीपाथ प्रोपेगेशन के बारे में, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच अगेन।